एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हेमिडेक्टाइलस। हेमिडेक्टाइलस का कॉमन नेम है वाल लिजार्ड और इसको हिंदी में छिपकली कहते हैं। आप सभी जानते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो सिस्टम से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटस्टीन, लार्ज इंटस्टीन, क्लोका और क्लोका अपर्चर आते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियास और इंटस्टिनल ग्लैंड आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लॉन्ग होती है, कोयल्ड होती है और मस्कुलर ट्यूब होती है। मस्कुलर ट्यूब इन केस ऑफ रेप्टाइल्स में होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होती है, कोयल्ड ट्यूब होती है और मस्कुलर ट्यूब होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है माउथ। जो माउथ है इट इज़ ए वाइड गैप। माउथ एक वाइड गैप है बाउंडेड बाय इमोबल लिप्स, जो इमोबल लिप्स से घिरा हुआ है। माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, और जो माउथ है वो ओपन होती है, खुलती है बक्कल कैविटी में, ठीक है। आप कह सकते हो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में खुलती है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये है बक्कोफेरेंजियल कैविटी का डायग्राम। ये है टीथ ऑफ ओपन जा, ये है फिरिंग्स, ये है बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी के अंदर टंग है। इसकी बक्कल कैविटी के छत पर ये टंग होते हैं और ये है टीथ ऑफ लोअर जा। अभी आपको क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। हमने जब एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग के अंदर पढ़ा था तो हमने देखा था जो उसमें दांत होते हैं वो केवल ऊपरी जबड़े में होते हैं, बट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स इसमें दोनों जबड़े में ही दांत प्रेजेंट होते हैं। तो देखो जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी इट इज़ ए बाउंड बाय द बेस ऑफ द स्कल अबव। ये ऊपरी खोपड़ी, ठीक है, ऊपरी स्कल के बेस के माध्यम से घिरा हुआ है एंड बाय द थ्रोट बिलो, और नीचे गले से घिरा हुआ है। इट्स एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, और जो इसकी एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट मीन्स आगे की जो पार्ट है उसको कहते हैं बक्कल कैविटी। ये है आगे की पार्ट, इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। एंड हिंड पार्ट इज कॉल्ड फिरिंग्स, और जो इसकी हिंड पार्ट है उसको कहते हैं फिरिंग्स। जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है ये दो पार्ट से मिलकर बनती है। फर्स्ट इज बक्कल कैविटी एंड सेकेंड इज फिरिंग्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बक्कल कैविटी। तो देखो बक्कल कैविटी के अंदर इंक्लूड हैं टीथ, टंग, इंटरनल नेरिस और लेबियल ग्लैंड। आप इधर देखो ये है टीथ, जो दांत हैं वो दोनों ही जबड़े में प्रेजेंट हैं। तो देखो टीथ आर प्रेजेंट इन बोथ जॉ, ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े दोनों में दांत प्रेजेंट होते हैं। और दे आर होमोडोंट, और दांत कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट का मतलब होता है कि सारे दांत एक जैसे होते हैं। एंड पोलीफायोडोंट, पोली का मतलब होता है बहुत बार, और फायोडोंट का मतलब होता है रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक है। दांत कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं और पोलीफायोडोंट होते हैं। होमोडोंट का मतलब होता है कि दांत सारे एक जैसे होंगे, और पोलीफायोडोंट का मतलब होगा जो दांत है वो बार बार रिप्लेस होते रहते हैं, ओके। अब उसके बाद है टंग। जो टंग है ये है टंग, टंग एक थिक और मस्कुलर ऑर्गन है, और ये प्रेजेंट है फ्लोर, प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो टंग है वो एक थिक और मस्कुलर ऑर्गन है और ये बक्कल कैविटी के छत पर प्रेजेंट है। ये बक्कल कैविटी है और ये टंग है। जो टंग है वो बक्कल कैविटी के छत पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद है इंटरनल नेरिस। इंटरनल नेरिस यहाँ पर है, आप देखो ये जोड़े में है। तो देखो इंटरनल नेरिस आर ए पेयर ऑफ स्मॉल होल्स ऑन द रफ ऑफ द बक्कल कैविटी। तो इसका मतलब होगा जो बक्कल कैविटी है, जो इंटरनल नेरिस है, ये बक्कल कैविटी के छत पर, ठीक है, बक्कल कैविटी के छत पर स्मॉल होल्स के एक जोड़ी हैं, ठीक है। ये बक्कल कैविटी के छत पर स्मॉल होल्स की एक जोड़ी हैं। अब उसके बाद देखो फिरिंग्स, ये है फिरिंग्स। जो फिरिंग्स हैं इट हैज़ ए मेडियन लॉन्गिट्यूडनल स्लिट कॉल्ड द ग्लोटिस बिहाइंड द टंग। अब देखो ये जो फिरिंग्स है ये जीभ के पीछे, ये टंग है इसके पीछे एक ग्लोटिस नाम का मेडियन लॉन्गिट्यूडनल स्लिट है जिसको ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। फिरिंग्स के
फिरिंग्स में क्या होता है कि जीभ के पीछे बिहाइंड द टंग, जीभ के पीछे एक मेडियन लॉन्गिट्यूडनल स्लेट होती है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, ये जीभ के पीछे ही तो है और इसको क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। और जो ग्लोटिस है वो किस में खुलती है, लेरिंग्स में खुलती है, और फिरिंग्स किस में खुलती है, ओसोफेगस में खुलती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ओसोफेगस, ये है ओसोफेगस। जो ओसोफेगस है वो एक स्ट्रेट नैरो ट्यूब है। आप इसमें देखो, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें जो ओसोफेगस है वो कैसा है, इट इज़ ए स्ट्रेट नैरो ट्यूब। ये कैसी है, स्ट्रेट नैरो ट्यूब है, और उसके बाद डैट एक्सटेंड थ्रू द नेक, जो नेक के माध्यम से फैलती है। ठीक है, एंड ओपन इनटू द स्टमक, और ये किस में खुल जाती है, स्टमक में खुल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टमक। जो स्टमक है इट इज ए सिंपल, ये स्टमक है, स्टमक कैसी है, सिंपल है, ट्यूबुलर सैक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कैविटी। ये जो स्टमक है ये बॉडी कैविटी के लेफ्ट साइड पर ट्यूबुलर सैक होती है। ठीक है, ये बॉडी कैविटी के लेफ्ट साइड पर एक ट्यूबुलर सैक होती है। इसके बाद देखो ये डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, जो एंटेरियर है वो तो कार्डियक स्टमक पार्ट होगा, और जो पोस्टेरियर है वो पाइलोरिक स्टमक पार्ट होगा। ठीक है, और जो स्टमक है वो किस में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग होती है, नैरो ट्यूब होती है, और डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, फर्स्ट इज ड्यूडेनम एंड सेकेंड इज यूलूम। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूडेनम। तो देखो ड्यूडेनम यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है, ड्यूडेनम आर यू शेप स्ट्रक्चर। तो देखो ये जो ड्यूडेनम है ये यू शेप का स्ट्रक्चर होती है, एंड रिसीव बाइल पेनक्रिएटिक और हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट, और ये रिसीव करती है बाइल पेनक्रिएटिक और हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट को। उसके बाद देखो ड्यूडेनम इज कॉइल्ड, जो ड्यूडेनम है वो कॉइल्ड होती है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो ड्यूडेनम है वो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होती है। ठीक है, अब उसके बाद है यूलूम, यूलूम है मच कॉइल्ड होती है, और ये ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को रेक्टम कहते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी जो वाल है वो थिक होती है। ठीक है, इट इज़ ए थिक वाल, इसकी जो वाल होती है वो थिक होती है, एंड वाइड ट्यूब, और कैसी होती है, वाइड ट्यूब होती है, थोड़ी सी चौड़ी ट्यूब होती है। और जो रेक्टम है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्लोका में खुलती है, एक इंस्पिक्चर अपर्चर के द्वारा जिसको कहते हैं एनस। ठीक है, अब उसके बाद है क्लोका। जो क्लोका है वो शॉर्ट और ट्यूबुलर सैक है, और ये डिवाइड होती है तीन पार्ट्स में, एंटेरियर यानी कि आगे की ओर जो है वो उसको कहते हैं कोप्रोडियम, और जो मिडल पे होती है उसको कहते हैं यूरोडियम, और जो पोस्टीरियर पर होगी उसको कहते हैं प्रोक्टोडियम। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया, अब जो दूसरा है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो सबसे पहले इसके अंदर लीवर है, लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं डायग्राम में देख के, ये डायग्राम है लीवर का, ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है और ये राइट लोब ऑफ लीवर है। तो जो लीवर होती हैं ये लार्ज होती हैं, और इसकी जो कलर है वो ब्राउन कलर की होती है, और बाइलोब्ड होती हैं। बाइलोब्ड का मतलब होता है दो लोब होंगी, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और राइट लोब ऑफ लीवर। और जो राइट लोब है वो बड़ा होता है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से। ठीक है, और जो बाइलोब्ड ग्लैंड होते हैं वो लंग्स के यानी कि फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर देखो ये गाल ब्लैंडर है। जो गाल ब्लैंडर होती है ये राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, और जो गाल ब्लैंडर है वो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और राइट लोब ऑफ लीवर के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देखो ये है राइट लोब ऑफ लीवर और ये है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, इन दोनों के बीच में ये गाल ब्लैंडर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो लीवर है वो सेक्रेट करती है बाइल जूस को। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है, और ये स्टमक है, स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है,
जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है और ये स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सेक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है वो है पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है वो इलोंगेटेड होती है, ठीक है, वो इलोंगेटेड होती है। ये पेनक्रियाज है ये कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, और ये स्टमक है और ये ड्यूडेनम है, और ये स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेनक्रियाज इलोंगेटेड होती है, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होती है, और ये सेक्रेट करती है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब उसके बाद है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड है, जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है वो होती है छोटी, और ये स्मॉल इंटेस्टीन के यानी कि ड्यूडेनम और इलूम के बीच में प्रेजेंट होती है। इंटेस्टिनल ग्लैंड स्मॉल होती है और ये स्मॉल इंटेस्टीन के बीच में प्रेजेंट होती है, और ये एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है और ये सेक्रेट करती है इंटेस्टिनल जूस को। सो एवरीवन, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हेमिडेक्टाइलस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।